Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about our new chapter for BA 5th semester student of Punjab University Chandigarh. आज हम BA 5th semester के जितने भी student हैं English compulsory के, चाहे आप USOL, जैसे आपको पता लगे USOL CDOE में change हो चुका है, चाहे आप CDOE के student हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो या किसी भी कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट हो, बस आप फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर ये टू वेज में है। किस तरीके से? सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस चैप्टर में से, क्योंकि आपका ये सिलेबस का पार्ट है। सेकेंड चीज़, आपको 10 नंबर का ऐसे राइटिंग जो आएगा उसके अंदर रीसेंट टॉपिक पूछे जाते हैं चैप्टर से रिलेटेड। टेक्स्ट बेस ऐसे आते हैं, मतलब कि जो आपके टेक्स्ट में पोएम्स में जो आप चीज़ें पढ़ के आए हो उनकी थीम पर से आपको टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आप ऐसे लिखते हो। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में, अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस, प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है बीए फिफ्थ सेमेस्टर की। पोएम हो नेम लिख के एस सी पी अड्डा साथ में लिख के यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। पोएम हो चाहे आपका चैप्टर्स हो, आपको सब मटेरियल मिल जाएगा यहीं से। क्वेश्चन अटैम्प्ट किस तरीके से आपने करना है, क्या चीज़ आपको ज़्यादा स्कोरिंग देती है, क्या चीज़ लिखने से पहले कैसे स्टार्ट करना है, वो मैंने हर चैप्टर हर पोएम का जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करा है, ठीक है। जो आपका एसी राइटिंग अब 10 मार्क्स है वो है तो आपका ग्रामर का पार्ट, पर आपको जो एसे पूछा जाएगा वो टेक्स्ट बेस पूछा जाएगा। किस तरीके से, मतलब जो आपके चैप्टर्स होंगे मेन जो आप पढ़ रहे हो, जैसे क्लाइमेट चेंज, इससे पहले आपने पढ़ा क्लाइमेट चेंज पर आ सकता है ऐसे इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कि कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है इंडिया की जो ग्रोथ है जो क्लाइमेट चेंज के अंदर, आप वो चैप्टर से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ऑन द स्पॉट, क्योंकि ऐसे आपसे बनाया नहीं जाता, आप 10-15 मिनट में 20 मिनट में ऐसे को इतना बड़ा कैसे लिखोगे, 2-3 शीट्स का 10 मार्क्स का ऐसे आपका कैसे लिखोगे आप? एग्जाम्पल्स जानने हैं, क्या फैक्ट्स जानने हैं, क्या कारण थे, क्या इफेक्ट है, क्या मतलब है, या जब भी लिख सकते हो जब आप उस चैप्टर के बारे में पूरा तरीके से गो थ्रू हो रखे हो उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक से आप पिक कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से आज जो आपको मैं चैप्टर करा रही हूँ ये आपका एसे राइटिंग में भी हेल्प करेगा। इस चैप्टर का नेम है करप्शन, कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज एंड एजेंडा फॉर फर्दर रिसर्च, ठीक है। आपको सबसे पहले तो चैप्टर का नेम पता होना चाहिए, इस चैप्टर का नेम आप करप्शन। उसके बाद देखो इस चैप्टर का ऑथर कौन है, वो है आपका पोलो मायरो, ठीक है। पोलो जो मायरो है आपके वो ऑथर हैं, ठीक है। आप ये ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए, इनकी स्पेलिंग क्या है, पी ए ओ एल ओ एम ए यू आर ओ, ठीक है, ये आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रेफरेंस टू कंटेक्स्ट को पोइट में पोएम में आएगा, इसमें आपको क्या आएगा चैप्टर में आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट नहीं है। आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो सिंपल लिख देना कि जो ये चैप्टर है करप्शन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस हैज बीन रिटन बाय द ऑथर, किसने लिखा, पोलो मायरो ने, इन विच ही एक्सप्लेन, जो आप आगे समझोगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ऑथर के बारे में पता होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए इस चैप्टर को लिखा किसने है। दूसरा बात है अबाउट दी एसे, एसे किस बारे में है, देखो इन दिस एसे पोलो मायरो डिस्कसेस वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज प्लेगिंग गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब कि एक सीरियस इशू डिस्कस करा है करप्शन का। करप्शन देखो कहाँ नहीं होती है, पब्लिक ऑफिस का बेनिफिट उठाते हैं फॉर प्राइवेट गेन। फॉर एग्ज़ाम्पल अब करप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ आपको मिलेगी, पब्लिक ऑफिस में मिलती है करप्शन। कैसे करप्शन मिलती है, कहीं एक लंबा प्रोसेस है, मैं आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक बड़ा आप कोई लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप एक लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये टेस्ट देना पड़ेगा, मुझे ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाने के बाद मेरा फिज़िकल टेस्ट यहाँ पे होगा, पहले लर्निंग टेस्ट होगा, यह आपका बड़ा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। दूसरी जगह एक ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, सीधा उनका लाइसेंस घर पर आ गया, ठीक है, या एक बार ही गए लाइसेंस बन गया, तो ये कैसे उसी प्रोसेस को अपने दो भागों में डिवाइड कर गया, उस वाले दूसरे वाले प्रोसेस में जो आपको टाइम स्पेंड ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, टाइम वेस्ट आपको वहाँ ज़्यादा नहीं करना उस जगह बार बार जाके, तो इस ये क्या है आपका करप्शन का पार्ट बन जाता है। जो फीस दे देगा ज़्यादा, जो क्या बोलते हैं ज़्यादा जिससे पैसे आ गए, जिससे करप्शन की मनी आ गई, उसका काम आप आराम से कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से। यह आपको मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया,
अब दूसरी चीज़ होती है, आप कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो कई बार कहते हैं इलेक्शन में आप हमें वोट डाल दो, हम आपको जो भी जितनी वोट डालेंगे उधर पैसे मिल जाएंगे आपको 100-200 रुपये जैसे भी, ठीक है। तो ये कहते हैं पब्लिक ऑफिस का बेनिफिट हो रहा है प्राइवेट गेन के लिए, ठीक है। इस तरीके से करप्शन, आप यहाँ भी करप्शन देख सकते हो, जहाँ जहाँ आपको करप्शन देखने को मिले आप अपने एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इट इज़ ए इशू ऑफ करप्शन, मायरो अंडरलाइंस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करप्शन, ठीक है। मायरो ने जिस चैप्टर के अंदर बताया है आपको क्या कॉज है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, किन कारणों की वजह से और उनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं करप्शन के। देख सो सबसे पहले चीज़ जो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की कम हो जाती है, किसी भी कंट्री की जहाँ करप्शन हो रही हो, क्योंकि देखो सीधे हम रस्ते से जा ही नहीं रहे हैं, एक लेक प्रोसेस बना रहे हैं उससे नहीं जाते, हम क्या कर रहे हैं करप्शन के थ्रू जा रहे हैं, तो एफिशिएंसी काम करने की कम हो जाएगी, ठीक है। पैसा दो नंबर से लोग कमाना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे क्या होता है आपका करप्शन ये कारण आपके लेके आती है कि जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो कम होती है, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जामिनेशन निकला है, ठीक है, अब उसमें क्या बोलते हैं, एक तो मेरिट बेस्ड जा रहे हैं, टेस्ट बेस्ड जा रहे हैं, और दूसरे में क्या किसी ने पैसे ज़्यादा दे दिए उसको रख लिए, तो देखो क्या वो एफिशिएंटली काम करेगा आगे सिस्टम में, उसे ये पता, उसको ये लगेगा जो मैंने पैसे दिए सबसे पहले मैं वो पैसे पूरे करूँ, ठीक है, किसी भी तरह करके उसे डबल ही पूरे करूँ। इलेक्शन वाले कहते हैं जितने हमने लोगों पे इलेक्शन लगाए हैं 25 लाख अगर लगाए हैं तो 50 लाख बना के ही निकलेंगे इन 5 सालों में। इस तरीके से सोच अगर निकलेगी लोगों की करप्शन वाले स्टेट में, तो आपको पता चल सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्री की स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट हाउ फार द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू कर्व करप्शन हैव बिन सक्सेसफुल। उसके बाद हम ये देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई है जिससे करप्शन को दूर करा जा सके। आप देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आप देखते हो 30-31 अक्टूबर को अभी पिछले अगले साल अगले महीने ही आपका एक वो बनाया जाता है करप्शन वीक बनाया जाता है, जहाँ से आपके इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो गए या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाले हो गए वो आते हैं सेलिब्रेट करते हैं। आप कॉलेजेस में भी देख लेना, अगर आप कॉलेजेस में पढ़ते हो तो आपको पोस्टर मेकिंग हो, स्लोगन राइटिंग हो, ये कॉम्पिटिशन देते हैं वो, और एक डिबेट भी रख देते हैं करप्शन के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि करप्शन वीक बनाया जाता है, इंडिया को करप्शन फ्री करेंगे, तो ये सब आपको समझाया जाता है उस वीक के अंदर। तो क्या पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, कौन कौन से कानून हैं कि अगर करप्शन देने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना करप्शन लेने वाला, क्योंकि देखो अगर आप बढ़ावा नहीं दोगे करप्शन को तो दूसरा बंदा करप्शन नहीं लेगा, ठीक है। आपके पास 2 पैसे ज़्यादा हैं, आप सोच रहे मैं अपना टाइम बचा लूँ और उसका बेनिफिट ले लूँ, इसलिए आप करप्शन का बढ़ावा देते हो, पैसे देने वाला ही नहीं होगा तो पैसे कौन लेगा। तो इसी तरीके से पॉलिसी बनाई है दोनों एंड पर, लेने वाले पे भी और देने वाले पे भी, ठीक है। अगर आप करप्शन देते हुए पकड़े गए तो आपको भी सजा, जो लेते हुए पकड़ा गया आपको भी सजा, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एस्से था, ओवरव्यू मैंने आपको सारा बता दिया चैप्टर का, मेन पॉइंट्स क्या हैं एस्से के। करप्शन मीन द अब्यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन, पब्लिक ऑफिस का हम सरकारी पद का जो यूज़ करते हैं अब्यूज़ करते हैं प्राइवेट गेन के लिए, ठीक है। जो करप्शन का जो इशू है वो एक रिन्यूड इंटरेस्ट है, रिसेंट ईयर में नवा नवा इंटरेस्ट आया है, पहले थी करप्शन, ये नहीं कि हम एंशियंट टाइम में करप्शन नहीं थी या फिर हमारे मिडिवियल पीरियड में करप्शन नहीं थी, तो मतलब इतनी मतलब कि पॉपुलर नहीं थी करप्शन जितनी अब हो चुकी है, ठीक है। देयर हैव बीन मैनी करप्शन स्कैंडल्स, पकड़े जाते हैं जैसे आपका कोल स्कैम हो गया किसी भी चीज़ का, करप्शन रिजल्टिंग इन टॉपलिंग ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। इन कंट्रीज दैट हैव शिफ्टेड फ्रॉम कमांड इकोनॉमी टू फ्री इकोनॉमी, जहाँ कमांड इकोनॉमी से फ्री इकोनॉमी है, करप्शन हैज़ बिकम रैम्पेंट, ठीक है। करप्शन इज ऑल्सो कॉमन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज एंड इन कंट्रीज हैव वेयर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डजंट वर्क प्रॉपरली। करप्शन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी मिलेगी, जहाँ उसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सरकारी विभाग अच्छे से काम नहीं करते, आपको वहाँ करप्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है। किसी को टेंडर पड़वाना है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना है, ठीक है, यहाँ आपको करप्शन देखने को मिल सकती है।
एक्सेसिव प्रॉफिट इनवाइट करप्शन, जितना आप प्रॉफिट कमाओगे उतना आपको करप्शन मिलेगी, ठीक है। एक्सेसिव जितना आप प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना हम करप्शन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि हम अपने पैसों को और प्रॉफिट बनाने में यूज़ करेंगे, हम अपने पैसों को जल्दी जल्दी काम करवाने में यूज़ करेंगे। इन सम इंस्टांसिस गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड इन सम इंस्टांसिस एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो होता है दे आर एक्सेसिव प्रॉफिट, ठीक है। एंड द ऑफिशियल हु अलॉट लाइसेंसेज आर ऑफर्ड ब्राइब्स, जैसे कि जो ऑफिसर्स लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं उन्हें ब्राइब्स दी जाती है, जैसे कि भट्टे वाले होते हैं जो आपको पता होगा कि आप रेत माफिया वगैरह पकड़ लिए जाते हैं, आप खनन नहीं कर सकते रेत का, आपको पता ही होगा कहीं आप नदी किनारे हैं रेत निकालते हो सुबह पकड़े जाते हैं, अगर वो शाम को पकड़े जाते हैं रात को तो माइनिंग एक्ट उन पर लग जाता है। पर यही है कि जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है हमने उसी को ब्राइब दे दी, जो पुलिस वाले पकड़ने हैं हमने उसी को ब्राइब दे दी, ठीक है, कमीशन बांध रखी है कि उन्होंने ही हमारे को लगा दिया कि इतने बजे ड्यूटी चेंज होती है पुलिस वालों की, इस टाइम हमारी ड्यूटी आती है तो आप इस टाइम आ सकते हो और इस टाइम इलीगल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसे होता है तो आप उसी को ही पैसे खिला दोगे, पकड़ने वाले कोई उन ऑफिसर को दे दोगे जो आपके जिसके कमांड पे वो हमें पुलिस वाले पकड़ने आएंगे, तो ये ऐसे क्या होता है करप्शन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अनदर कॉज ऑफ करप्शन इज द लो वेजेस ऑफ सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके जो सैलरीज होती हैं वो बड़ी कम होती है, इसलिए वहाँ करप्शन को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इस कारण करप्शन रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस इज लोअर द इंसेंटिव टू वर्क, जो करप्शन होती है वो रिड्यूस करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि ये आप काम नहीं अब करना चाहते, आपको तो करप्शन से पैसा आ तो रहा है अब काम कौन करेगा। बट एज अ काउंटर आर्गूमेंट इट इज सेड दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्क हार्ड व्हेन दे हैव ब्राइब्स, पर इसका काउंटर आर्गूमेंट्स क्या है, अगर जितने ज़्यादा आपको पैसे मिल जाते हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट बड़े दिलों जान से काम करते हैं कि भाई पैसा आ गया अब इस बंदे का काम करना है, ठीक है। दे हेल्प एंटरप्रेन्योर्स गेट अराउंड ब्यूरोक्रेटिक इम्पीडेंसमेंट, मतलब देखो क्या होता है जो एंटरप्रेन्योर्स स्मॉल बिजनेस वाले हो गए लार्ज स्केल बिजनेस वाले हो गए वो गवर्नमेंट के आसपास रहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के आसपास रहते हैं ड्यू टू देयर करप्शन, ठीक है। इस तरीके से करप्शन इज मोस्ट प्रेवलेंट वेयर देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी होती है, लाइक रेड टैपिज्म, मतलब कि लाल फीताशाही आप देख सकते हो, इसका मतलब होता है आपने देखा होगा फाइल्स पे गवर्नमेंट की फाइल्स पे एक क्या होता है एक बांध रखा होता है ना रिबन टाइप का, या फिर आप उसे बोल सकते हो फीता सा बांध रखा होता है फाइलें बांधने के लिए, तो क्या होता है जितने फीते बंधे होते हैं उतना ही डिले होता रहता है काम, वो कभी आपने देखा कि फाइलें ऐसे एज इट इज़ रैक पे लगी हो, वो लाल फीता सा बांध के रखते हैं कि यहाँ से उठाएंगे उस पर इतनी धूल जमी होगी, तो ये रेड टेपिज्म का एग्जाम्पल है कि उतना ही डिले होता रहता है वर्क, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है, लोग जो सरकार है वो अपनी सरकार ही बचाने में लगी रहती है, काम से ज़्यादा वो किस पे ध्यान होता है सरकार को बचा के रखे, ठीक है। द मोर करप्ट अ कंट्री इज द मोर पॉलिटिकली इंस्टेबल होगी, जैसे आप पाकिस्तान देख सकते हो जितना ज़्यादा वहाँ करप्शन रेट होगा उतना ही सरकार गिरती रहती है बार बार वहाँ। इन अदर वर्ड करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है, हम दो साइड देख सकते हैं सेम कॉइन की। Poorer countries are likely to be more corrupt because people in need can give up their moral principles very easily. जितनी भी poorer countries हैं वो ज़्यादा corruption होती है वहाँ, जैसे आप उत्तर प्रदेश बिहार में देख सकते हो, आपने जैसे न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दिखाते हैं कि यूपी वो टॉपर निकल जाते हैं, कौन कौन से आपको देख सकते हो, जैसे कि किसी ने यूपी बोर्ड के अंदर कोई फर्स्ट आ गया, कोई बिहार बोर्ड के अंदर, पर उनसे पूछा कि उस सब्जेक्ट के बारे में, उनको वो सब्जेक्ट ही नहीं पता जिसके अंदर वो टॉप आए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो करप्शन का लेवल क्या है, फिर उनको सजाएं मिलती हैं, सुधार गृह में बच्चों को भेज दिया जाता है जिन्होंने करप्शन दी होती है, तो इस तरीके से क्या होता है करप्शन को कहाँ ज़्यादा बढ़ावा मिलता है जब पुअर कंट्रीज होती है। वट एवर द फॉर्म ऑफ करप्शन वंस इज गिट गेट इनग्रेन्ड इन अ सोसाइटी, करप्शन किसी भी तरीके की अगर सोसाइटी में एक बार आ गई तो उसे निजात पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। करप्शन हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है, एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अटेंशन इज बींग पेड टू द इशू, तभी हमने कितने कमीशन बनाए हैं करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए, ठीक है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं।
It is important for all the various body working against corruption to ensure that 10 years from now, we can look back and say that some concrete result have attained in this domain. कहते जो काम कर रहे हैं, कुछ policies हैं, कुछ commissions हैं, जो corruption free India के लिए, corruption free state के लिए काम कर रहे हैं, वो देखे कि 10 साल पहले क्या situation थी और इन 10 सालों में उन्होंने क्या change लेके आए हैं. तो उनको एक result oriented work करना है इस तरीके से. ठीक है, डिटेल समरी क्या है ऐसे की? डिटेल समरी है, करप्शन मीन द अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन. ठीक है, हम अब्यूज करते हैं यहाँ, ये मैंने आपको बता ही दिया. कॉजेज, आप ये मैंने इसलिए आपको फर्स्ट फोटो क्लिक्स करके रख रखी है ताकि मैं आपको गलत एक्सप्लेन कर सकूँ, आप ऐसे में इससे हेल्प ले सकूँ जब आपको ऐसे लिखना हो. ठीक है, ह्यूज रेंट्स इनवाइट करप्शन, जितने आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा आप उतना ही लाइसेंस वगैरह लेने में, फॉरेन एक्सचेंज स्कीम्स वगैरह लेने में, सब्सिडी यहाँ टैक्स देते हैं. ठीक है, एक्सेसिव प्रॉफिट कैन राइज इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन आल्सो. ठीक है, जितना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा वहाँ भी आ जाती है करप्शन, जहाँ नहीं होता वहाँ भी आ जाती है. अनदर कॉज ऑफ करप्शन कैन बी लो वेजेज ऑफ सिविल सर्वेंट, का जो लो वेजेज होती है उनकी वजह से. कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं अगर आप करप्शन करते रहते हो रेगुलर बेसिस पे, तो इसके क्या रिजल्ट है? करप्शन इकोनॉमिक ग्रोथ को लो कर देता है बिल्कुल. देयर कैन बी सम काउंटर आर्गूमेंट्स भी हैं इसके अगेंस्ट भी, कि लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पैसा ज़्यादा मिलने पर उन्हें जल्दी काम करना होता है. करप्शन इज़ मोस्ट प्रेवलेंट वेयर देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी. ठीक है, करप्शन ज़्यादा प्रेवलेंट कहाँ होती है, जब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी होती है, कि एक पार्ट काम नहीं कर रहा किसी गवर्नमेंट का. हम कई गवर्नमेंट ऑफिसेज वाले होते हैं बदनाम हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो काम ही नहीं करता, ये वाला डिपार्टमेंट है ये काम नहीं करता. तो वो कैसे बना के रखते हैं कि कैसे काम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं फिर वो. ठीक है, करप्शन नहीं लेते बिल्कुल भी. तो ये क्या होता है कि एक अच्छा सिस्टम बना के रखना, वरना अगर ऊपर वाले करप्शन ले रहे तो नीचे वाले को लेनी ही पड़ती है इस तरीके से. आई यहाँ एक एग्जांपल भी दिया कि आपको अपने बॉस से वरना कॉल आ जाएगी कि आपको प्रमोशन मिलेगी इस तरीके से. ठीक है, ये आप देख सकते हो. एजेंडा क्या है फर्दर रिसर्च के लिए, क्या क्या हम देख सकते हैं, ये आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं जो आप लिख सकते हो अपने ऐसे में. सपोज़ अगर कोई आप सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ सारे लोग ही चोरी कर रहे हैं, क्या आप बिना चोरी किए रह सकते हो? नहीं. क्योंकि आपको पता ही होगा जब तो वो नहीं पकड़े जा रहे मैं क्या पकड़ा जाऊँगा. ठीक है, अगर जो सपोज आपने एक एज ए क्लर्क कहीं ज्वाइन करा है किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आपके सुपीरियर अगर करप्ट हैं, ठीक है, अगर आपको कोई आके ब्राइब देता है और आप पहली बारी में तो मना कर दोगे कि मैंने ब्राइब नहीं लेनी, फ्यू थोड़े घंटों बाद आपको फ़ोन आ जाएगा अपने सुपीरियर से, वो कहेगा आपको प्रमोशन मिल जाएगी, ब्राइब ले लो और इस बंदे का काम कर दो, तो आपको करना ही पड़ेगा इस तरीके से. यू टेक द ब्राइब एंड शेयर विद योर बॉस, आप अपने बॉस के साथ शेयर करोगे. ठीक है, सपोज ए आर बी क्या है, मेम्बर्स हैं सेम गवर्नमेंट के, ए तो बड़ा करप्ट है एंड हैज अ प्राइवेट ब्राइब कलेक्शन सिस्टम, उसको एक ब्राइब कलेक्शन सिस्टम भी बना रखा है कि ब्राइब जो आएगी, रिश्वत आएगी, इसी सिस्टम से आएगी. एक्स अगर पार्टी को ही आती है तो वो वाई को देगी पैसा, वाई जाके उसको देगी, इस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा. लोगों को बिग ब्राइब्स देनी पड़ेंगी एंड दे डिसाइड नॉट टू रिलेक्ट द करप्ट गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ बी टू डिसाइड टू ऑब्टेन एज मच एज लूट एज ही कैन सिंस ही नोज दैट द गवर्नमेंट विल सून बी आउट. मतलब बी क्या कहेगा कि गवर्नमेंट कहीं हट ना जाए तो मैं जल्दी जल्दी जितना हो सके मैं उतनी ब्राइब इकट्ठी कर लेता हूँ. ठीक है, इफ़ ए डज नॉट कलेक्ट ब्राइब बी विल आल्सो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट. अगर ए ब्राइब नहीं लेगा तो बी भी नहीं ले पाएगा. देखो जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं जो मेरे टीचर्स ने मेरे को बताया था, जैसे एक सिस्टम होता है कमीशन बंदी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, मैं किसी डिपार्टमेंट का नेम तो ऐसे सच नहीं मुझे पता, फॉर एग्जांपल अगर कहीं करप्शन है हो रही है, अगर किसी ने 50 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है 50 लाख रुपए दिए हैं, तो सबसे नीचे वाले के पास 1-5 लाख से ऊपर जाते जाते जो सबसे ऊपर जिसकी हायरार्की में होगा उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से तो ये क्या होता है आपका करप्शन का सिस्टम डिवाइड होता है, जो जितना हायर पोजीशन पर तो उसको सबसे ज़्यादा करप्शन मिलती है, नीचे वालों को थोड़े थोड़े बढ़ते चले जाते हैं. अगर देखो सबसे ऊपर वाले करप्ट नहीं होगा तो नीचे वाले करप्शन नहीं करेंगे, तो इस तरीके से
ये एक लाइन ऑफ हायरार्की में चलती है करप्शन भी। उसके बाद देखो क्या होता है, दस वी कैन से दैट मोर करप्ट कंट्री इज द मोर पॉलिटिकली अनस्टेबल होती है, जितनी ज़्यादा करप्शन होगी। कांग्रेस क्यों हटी, देखो कांग्रेस को लोगों ने वोट दो सालों से, कांग्रेस दो साल तो क्या मैं आपको बोलूँगी, लास्ट डिकेड से आपको कांग्रेस नहीं मिलेगी, ठीक है। एक डिकेड में कितने साल होते हैं आपके, 10 साल होते हैं, तो आप देख सकते हो क्यों नहीं, क्योंकि उस पर करप्शन कितने चार्जेस लगे हुए हैं, इसलिए। हाउएवर ऑल दिस एग्जांपल डू शो दैट वंस करप्शन हैज़ बिकम इनग्रेन, अगर एक बारी करप्शन आ जाती है किसी सिस्टम में तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे लाइसेंस अथॉरिटी वाले हैं, अगर वहाँ एक बारी करप्शन देखो आ जाए तो वहाँ एक सिस्टम बन जाएगा कि इस तरीके से तो ये होता ही है वहाँ काम, ठीक है। करप्शन कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स की हो सकती है, हाई लेवल की करप्शन भी हो सकती है, लो लेवल की करप्शन भी हो सकती है, ठीक है। देन देयर कैन बी वेल ऑर्गेनाइज करप्शन हो सकती है और क्योटिक करप्शन हो सकती है। एक वेल ऑर्गेनाइज है कि इस सिस्टम से पैसा जाएगा मेरे पास सब आएगा, क्योटिक होती है मैं कुछ जिसने मांगे उसको आपने दे दिए, ये क्योटिक करप्शन होती है, ठीक है। अंडर अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ करप्शन एंटरप्रेन्योर्स नो होम दे नीड टू ब्राइब एंड हाउ मच, अगर एंटरप्रेन्योर्स है प्राइवेट बिजनेसमैन है उनको पता होता है कि हमें किस किस को कितनी करप्शन देनी है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अटेंशन इज बींग पेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन, एक इंक्रीजिंग अमाउंट होता है अटेंशन देनी पड़ती है प्रॉब्लम ऑफ करप्शन को पे करने के लिए, ठीक है। अ जनरल फीलिंग हैज इमर्ज दैट करप्शन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, में आप ये भी देख सकते हो। बाकी जो आपको ये मैंने चैप्टर बता दिया ये आप समझ के और उसके बाद एग्जाम्पल्स के साथ ऐसे भी अटैम्प्ट कर सकते हो। अब आपके आगे क्वेश्चन आंसर, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करने हैं वो देखो। अब ऑन द बेसिस ऑफ आवर रीडिंग ऑफ पोलो मायरो एसे करप्शन कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज एंड एजेंडा फॉर फर्दर रिसर्च एंड ऑल द फॉलोइंग, सम रेंट मे अराइज इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन एज इन द केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आप देख सकते हो तो चैप्टर से उठाया गया है। इसके अंदर आप सबसे पहले तो देखो ऑथर का नाम बोलोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि जैसे जैसे प्रॉफिट अराइज होता है बढ़ता चला जाता है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन स्टार्ट होने लग जाती है। कुछ आप दे सकते हो अगर कहीं आप पैसा लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल दूँ गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का, क्रिप्टो करेंसी आपने वर्ड सुना होगा कि क्रिप्टो में लोग पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, तो फिर एक फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं पॉलिसी ले आते हैं कि नहीं अगर यहाँ से लोगों को इनकम आ रही हम यहाँ पे हम टैक्सेस लगा देंगे, ठीक है। गेमिंग पे लोगों को ऑनलाइन गेमिंग पे इनकम आ रही यहाँ पे टैक्सेस लगा देंगे, तो जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है वहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाती है। एज इन द केस ऑफ टैरिफ्स एंड इंपोर्ट ड्यूटीज ह्यूज प्रॉफिट कैन राइज इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन आल्सो, तो क्या होगा जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं वो गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत पैसा देके अपना टैक्स कम करा लेंगे, इस तरीके से। ये भी एक पार्ट है करप्शन का। रिसोर्सेज का आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये आपको ऐसे से रिलेटेड है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम हो चांसेस होते हैं पेपर में आने के, क्योंकि ये ऑलरेडी चैप्टर वाले ऐसे से क्वेश्चंस आपको आएंगे। देखो जहां आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ रखा है पहले भी एग्जाम में, ठीक है। व्हाई देयर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट है इश्यू ऑफ करप्शन नाउ, रिन्यूड मतलब कि अब इतना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं करप्शन वाले इशू में, कि आपको पॉलिसीज बनानी पड़ रही है करप्शन को कर्ब करने के लिए, स्कीम्स लेके आनी पड़ रही है, क्यों? देखो करप्शन एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इंडिया में या पाकिस्तान में नेपाल में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ रिमेन्ड अनटच्ड बाय इट, जल्दी किसे काम क्यों नहीं कराना, सबको जल्दी कराना होता है। करप्शन स्कैंडल्स हैव टॉपल्ड गवर्नमेंट बोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी होती है, अमेरिका जैसी कंट्री में, डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया जैसी कंट्रीज़ में भी करप्शन होती है। सम कंट्रीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम कमांड इकोनॉमीज टू लिबरल इकोनॉमीज़ में, ठीक है। जैसे 1991 से पहले हमारी इंडिया में LPG पॉलिसी नहीं थी, तो तब भी क्या इंडिया में करप्शन नहीं थी, तब भी करप्शन थी, इंडिया वाले आपस में करप्शन दे रहे थे। 1991 में MNCs कंपनी को जब हमने अलाउ करा कि हमारी कंपनीज में कंट्री में आके अपने प्लांट्स लगाएं प्रॉफिट जनरेट करें,
यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जब हम पॉलिसी लेके आए, क्या उसके बाद जब वो लाइसेंस लेने आते हैं एमएनसी कंपनी वाले या कोई प्लांट लगाने आते हैं तो हम वो क्या करप्शन नहीं देते इंडिया गवर्नमेंट को, या वो थोड़ा एडवांटेज लेने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सूरत गुजरात के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, मध्य प्रदेश के पास ग्राउंड वाटर ज़्यादा है, तो कोका कोला कंपनी वालों ने सरकार से बात करके अपना प्लांट वहाँ लगा लिया, वहीं के पानी यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, हमारी ही चीप लेबर यूज़ कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा के अपने देश को दे रहे हैं वो, अब जहाँ से वो आए हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो क्या होता है, थोड़ा करप्शन देकर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके वो खुद ही चले जाते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है डेवलपर डेवलपिंग कंट्रीज में, देयर आर नाउ मैसिव अपॉर्चुनिटीज टू पॉकेट ह्यूज प्रॉफिट, एंड ह्यूज प्रॉफिट जब आप कमाते हो तो आप करप्शन देना स्टार्ट कर सकते हो। आप कहोगे इतनी बड़ी लाइन में कौन लगेगा, इसे 100 रुपये दे अंदर बैठ के काम हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ कौन आएगा, एक बाहर दूसरा कोई बंदा होता है जो वो उसे पैसे दो वो काम करा के दे देगा। तो ये एक पार्ट है करप्शन का। द डोनर कंट्रीज डू आर एक्चुअली जो क्वाइट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन पुअर कंट्रीज, डोनर कंट्रीज भी ये बात से इन्हें वाकिफ होते हैं कि कितनी करप्शन है पुअर कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये यूएन वाले हैं, ठीक है, अब जितना जो ज़्यादा डोनेशन देगा उसके लिए ही पॉलिसीज फेवरेबल बनेंगी, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ करप्शन नहीं है, हर जगह करप्शन है। दे पे ऑल द अटेंशन टू सी दैट द एड फंड रीच द पुअर एंड नॉट मिसयूज, ठीक है। सारी जैसे कि आप देखो, अब कोई कहीं बाढ़ आई है, कहीं तूफान आया, तो एक आपदा बनाए फंड बनाया जाता है कि आप इसमें पैसे दो, यहाँ गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रहे हैं इनके लिए, पर वो कितने लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, वो कहाँ यूज़ हो रहा है किसी को नहीं पता, ठीक है। दस वी सी वाई देयर इज रिन्यूड इंटरेस्ट है इश्यू ऑफ करप्शन ना हो, क्योंकि करप्शन बढ़ती जा रही है जब भी लोगों का रिन्यूड इंटरेस्ट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। कंट्रीज दैट आर मोर करप्ट टेंड टू बी मोर पॉलिटिकली अनस्टेबल, आपको पता ही है सरकार गिरने का खतरा होता है। इसी तरीके से Why does writer mention that while corruption breeds poverty, poverty itself might cause corruption? ये important question आपका, ये आपका हमेशा आपको मिलेगा ही exam में, अगर इस साल नहीं आया तो अगले साल, अगले साल नहीं आया तो उससे अगले साल, ये question consecutive years में ना concurrently आ ही जाता है, ठीक है। Corruption lowers the incentive to invest, ठीक है। There is a fall of economic growth and country becomes poor हो जाती है। अब जैसे प्याज जितने महंगे हो गए या फिर टमाटर इतने महंगे हो गए, तो कईयों ने होर्डिंग कर रखी है, बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, उन्होंने होर्डिंग कर रखी है कि एक बारी प्राइस बढ़ जाएगा उसके बाद हम धीरे धीरे निकालेंगे इसको, ताकि क्या बोलते हैं, हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सके। अगर रेगुलर सप्लाई होगी उस चीज़ की तो हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ रोक दी, उसका प्राइस हाइक कर दिया, उसके बाद में अगर मैं थोड़े उससे थोड़े कम दाम पे भी निकालूंगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपये चला जाता है किसी चीज़ का प्राइस, ठीक है, मैंने होर्डिंग कर रखी है, मैंने क्या बोल रखा है, अपने गोदाम में रख रखे हैं, 100 रुपये मुझे खबर आ गई 100 रुपये प्राइस निकल गया, अब मैं रोज़ निकाल रही हूँ 10-15 किलो रोज़ के निकाल रही हूँ, उसे 100 रुपये नहीं 90-80 रुपये का बेच रही हूँ, है वो सामान 40-50 रुपये का, प्रॉफिट के साथ भी मैं बोलूँ 40 रुपये का, अगर मैं उसे 80 डबल रेट पे बेचूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से देखा जाता है जब आप ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग करते हो इस, ठीक है। सो वी कैन से दैट करप्शन ब्रीड्स पॉवर्टी, करप्शन गरीबी लेके आती है, बट अपोजिट ऑफ इट इज ऑल्सो करेक्ट, पॉवर्टी जितनी गरीबी होगी तो वो भी करप्शन लेके आएगी, ठीक है। पुअर पीपल कैन गिव अप देयर मोरल्स टू ईजली एंड पुअर कंट्रीज डोंट हैव एन इफेक्टिव लीगल सिस्टम, नहीं होता पुअर कंट्रीज का टू पनिश द गिल्टी, कि हम गिल्टी को पनिश कर सकें। पब्लिक सर्वेंट जो होंगे पुअर कंट्रीज में, उन्हें लो वेजेस मिलती है, पब्लिक सर्वेंट को इतने पैसे नहीं मिलते तो वो भी करप्शन करते हैं, ठीक है, अपनी फैमिलीज को लेविश स्पेंडिंग करने के, अपनी फैमिलीज को फीड करने के लिए। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन वेल ऑर्गेनाइज करप्शन एंड क्योटिक करप्शन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि आप वेल ऑर्गेनाइज करप्शन कैसे करते हो क्योटिक करप्शन से। वेल ऑर्गेनाइज करप्शन एक लेस हार्मफुल है एज कम्पेयर टू द क्योटिक करप्शन। हमें पता था कितना पैसा देना है, एक बारी में हमें पता होता है 10,000 का काम है, 5,000 का काम है, 2,000 का काम है, ठीक है, हमें पता होता है,
जो एक एक वेल ऑर्गेनाइज करप्शन है. वी नो हाउ मच अमाउंट हैज टू बी पेड. हमें बता दो कितनी हमें अमाउंट देनी है और कि कैसे काम हो जाएगा. अगर कियोटिक करप्शन है डिफरेंट, ठीक है, एक सीक्रेट बारगेन होता है. एजेंट्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आपको मिलेंगे. हम आपका काम करा देंगे, हम आपका काम करा देंगे. ये क्या होता है, कियोटिक करप्शन है. जितने ज़्यादा लोग बीच में आएंगे उतने आप ज़्यादा आपको करप्शन देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे. एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे, क्योंकि लोग काम नहीं करना चाहते. ठीक है, वी कैन से कियोटिक करप्शन मोर सीरियस है जो एजेंट वाला सिस्टम है, वो ज़्यादा सीरियस है इन दी इफेक्ट सोसाइटी के लिए. आप बोलते हो सम रोल प्ले बाय सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हो गया, OECD हो गया, आपका कौन कौन से आपके बन जाते हैं ऑर्गेनाइज, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट. ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए होती है. लाइसेंसिंग अथॉरिटी बन जाती हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं. करप्शन इज द बिगेस्ट ब्लॉक इन द वे ऑफ सच डेवलपमेंट. सच डेवलपमेंट में बिगेस्ट ब्लॉक होता है. देयरफॉर बोथ दीज ऑर्गेनाइजेशन डू ऑल दे कैन कर्ब दिस इविल. जो OECD होते हैं क्रिमिनलाइज द ब्राइबरी ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल के, जो अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल ब्राइब लेता है तो उसे क्रिमिनलाइज कर देते हैं. द IMF इंकरेजेज नेशन टू लिबरलाइज देयर इकोनॉमीज एंड इंश्योर बजट ट्रांसपेरेंसी. इस तरीके से वाई डज राइटर वॉन्ट द पॉलिसी मेयर्स टू कर्ब करप्शन टू बी एसेस. कि हम क्यों पॉलिसी चाहते हैं, देखो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए भी, क्योंकि करप्शन से क्या होता है वर्ल्ड वाइड इफेक्ट है इसका. डेवलप कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट डालता है करप्शन, इसलिए हम पॉलिसीज चाहते हैं. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप देख सकते हो कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पोलो मायरो आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं करप्शन के, वो आप देख सकते हो. कॉजेज़ पहले आप बता दो कि क्या क्या कारण होता है. एक्सेसिव प्रॉफिट होता है, रेड टेपिज्म होता है, लो सैलरीज मिलती हैं लोगों को, ये आप कॉजेज़ बता सकते हो. ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है, ये आप देख सकते हो. जैसे आपको यहाँ मिलेगा कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ था और कॉजेज़ यहाँ है. ये कॉजेज़ हो गया आपका और ये आपका कॉन्सिक्वेंसेस हो गए. ठीक है, ये आप देख सकते हो. अकॉर्डिंग टू द पोलो मायरो व्हाट आर द वेज गवर्नमेंट कर्ब कर सकती है, क्या बना बना के अपनी पॉलिसीज बना के, इश्यूज फ्रेम करके करप्शन के, यहाँ से आप अर्न कर सकते हो. ठीक है, कैसे कर सकते हो आप, गवर्नमेंट कर्ब कर सकती है, करप्शन को रोक सकती है. जैसे आप कुछ एग्जाम्पल दे दोगे, इंडिया के अंदर CVC की बात मैंने आपको करी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, कमीशन बना दिया करप्शन से मैटर्स रिलेटेड, ये कमीशन डील करेगी. इंडियन पीनल कोड है जो आपका IPC है, उसके अंदर ब्राइबरी से रिलेटेड लॉ बना दिए. ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो बना दिया कि अगर कोई करप्शन करता है ये ब्यूरो, ये पुलिस अरेस्ट करेगी. ED बात कर सकते हो आप, ED इन्फोर्समेंट वाले वो बात करते हैं, आपको पता ही होगा. CBI बता दो आप, या आप ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो. ठीक है, ये आप लिख सकते हो. होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आपने मेन पॉइंट्स एग्जांपल पे ज़्यादा फोकस देना है. जो मैंने आपको आगे चैप्टर समझाया, क्या कॉजेस थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, कैसे आपने स्टार्ट करना, आपको चैप्टर की समरी पता होनी चाहिए. उसका थीम जो मैंने आपको समझाया है, आपके क्वेश्चन जो आंसर होंगे वो आपके लिए ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसे ये वीडियो हेल्पफुल करें, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. बाकी चैप्टर की वीडियो भी मैंने आपकी ऑलरेडी डाल दी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके BA 5th semester सर्च करोगे SCP अड्डा लिखकर, तो आपको इंग्लिश कंपलसरी की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी. प्लेलिस्ट वाले आइकन पर आप क्लिक करके देख सकते हो. सिलेबस अगर जो स्टूडेंट्स कह रहे थे, मैंने आप चैप्टर के साथ आपका 5th semester वालों का सिलेबस भी डाल दिया है. और क्लासेस सिलेबस आपने देखना तो आप वो वाले प्लेलिस्ट वाले आइकन पे आपको सब मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.